मातृशक्ति, ये कोई राजनीतिक मैं मत समझ के नहीं खड़ा हूं मैं यहां। मैं पहले बता रहा हूं, आप लोगों के परिवारों से पैदा होकर के यहां पहुंचने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं किसान का बेटा पहले हूं, किसी राजनीतिक पार्टी में बाद में हूं। चाचे तबो भाई बहनों, और आज की इस जो है संघर्ष समिति की अध्यक्षता कर रहे नफे सिंह जी, बड़ौदी साहब नफे सिंह बड़ौदी जी, मेरे आजू बाजू समस्त किसान जुझाव नेता, मैं एक एक का नाम लूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। मैं बिल्कुल छोटी सी बात में बात को खत्म करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा जो इन टोलों पर ड्यूटी देते हैं, आप एक बार गरेबाग में झांक करके देखना कि आप किसकी औलाद हैं। आप भी किसान परिवार के बच्चे हैं, किसान परिवार के बेटे हैं। आपका दायित्व बढ़ता है जिसे पूरा हिंदुस्तान अन्नदाता कहता है, ये कहने के लिए अन्नदाता नहीं है। जिस दिन इन्होंने अपना काम छोड़ दिया उस दिन इस देश का जवान, इस देश का और जो भी साथी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से है, उसे उस दिन पता लग जाएगा कि किसान कितना अथक मेहनत प्रयास करके जो है धरती का सीना चीर करके कैसे अन्न पैदा करता है। खुद तकलीफ में रहता है फिर भी आप लोगों के लिए जो है अन्न पैदा करता है। अब इन्हीं डॉलों पर आप उनका अगर अपमान करते हो तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप इन्हीं की औलाद हैं। मुझसे भी पूछा गया था जब मैं पहली बार जो है टिकरी बॉर्डर पे मैं गया, तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस वाले लोग हैं, आप ये है वो है। तो मैंने कहा था कि मैं किसान पहले हूं, कहता हूं तो मैं मेरी फर्द लेके दिखाऊं कि मैं किसान हूं कि नहीं हूं। मैं किसान पहले हूं, मैं उसके बाद किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं आज भी गर्व से कहता हूं, अनिश भाई जो बात आपने कही वो पसंद किसकी थी, मैं रस्ते में भाई ने इसको बता रहा था कि मेरा परिवार मेरे दादे परदादे खेती से जुड़े हुए लोग थे। मेरे पिताजी पढ़ गए, वो मास्टर लग गए, फर्क इतना ही तो था। उन्होंने जो कमाया वो जड़े कहां से थी मेरी, अगर जड़े मेरी मेरी किसानी की थी तो ये मसल दूर मेरा जीवन भी आप पे कुर्बान है। मसल क्या चीज है। और भाई बहन जो यहाँ पीड़ा उठाया, सबसे पहले आप लोगों ने मुझे बुलाया था यहाँ, ये सौभाग्य मुझे मिला था। और मैं घड़े दिन का बाढ़ देखू था, मैं कद सी आप जमीन लो और कद सी देखो। यहां भी एक बात जोड़ता हूं, शहीद स्मारक, ये बात छोटी नहीं है साथियों। जिन जिन माओ ने अपने बेटे खोए, जिन जो हमारी महिलाओं ने अपने सुहाग खोए, ये छोटी बात नहीं है भाई। वो तो ठीक है सारे, मेरा देश महान, फिर भगत सिंह पैदा पड़ोसी को ही हो, आप उन लोगों में से हैं। लेकिन उन 700-800 किसानों ने जो साहस दी है, अगर हमारे जैसे लोग मिलकर के उनका स्मारक नहीं बना पाए तो भारत में भी लानत है मेरे भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो जमीन ली वो तो बहुत बढ़िया काम कर ही दिया, ये मारा सबका दायित्व बढ़ता है। बूढ़े कहा कर दे भाई किलो का भाट एक के मारांगे तो फूट जाएगा, और जब ग्रामी ग्रामी पप्पू करके मारांगे तो मेरा भी पुण्य पटे। जल चावेगा और जितना चावेगा बटला करके हम देंगे भाई ने। किसानी से जुड़े हुए आदमी हो, दोगे कि नहीं दोगे भाई, आना लावांगे कि नहीं लावांगे भाई। मारा धन किस काम का, मारा लेवल किस काम का, मारा यो जो अपने नामा के तख्ती ठाए फिर आइया किस काम की। जड़े भाई जहां से हैं वो मेरी किसानी है, और भाई मेरा तन मन और सब कुछ आपको समर्पित है। चाची ताइयो इतना बड़ा तो तारा बेटा को नहीं होया है, लेकिन जिसे लाटे घूमे हाँ इसे कुआ किसी चीज की ड्यूटी बता दियो, तारे बालक तरतम मना नहीं कर सकते। मैं फिर कहूं टोल वाले साथियों से भाई, अच्छी बात होती है जो आकर अपने लोगों को मना ले, अच्छी बात होती है जो अपनी गलती मान ले। और भाई इन तय नरम को ही कोने मैंने देखा दुनिया में,
मैंने पंचायतों में जाने का मौका मिला है, कत्ल ने माफ कर दे ये लोग, लेकिन भाई चला अनगे उड़ा डबी गए। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक तो आसपास के गांव गुआंडों के आदमी जब आते हैं, जो एक आप लोगों ने परिधि तय कर रखी है तो उसका पालन जरूर करें, उनको आराम से निकलने दें। दूसरा, किसान से जुड़ा हुआ संगठन का आदमी कोई भी है उसको भी आराम से निकलने दें, ये आपका दायित्व तो बनता है। फिर से कह रहा हूं कि आप हमारे घरों से हैं, ये जवान जो भाई पुलिस वाले खड़े हैं, इनका भी अगर बैकग्राउंड जानोगे तो इनकी भी जड़ें जो है वो किसानी से जुड़ी मिलेंगी। तो मेरा इनसे भी अपील है कि आप मध्यस्थता करके इस बात को जल्द से जल्द, बड़ा होने से पहले इसे खत्म करवाने का प्रशासन से मेरा अनुरोध है। अगर वो इस वीडियो को देखें, और मैं मेरे नेताओं से कहूंगा, किसान नेताओं से, जहां अपने बालकों की जरूरत पड़े, नेता की नहीं, थारे बालक हाँ, थारे जहां जरूरत पड़े वहां झंडा लेके नहीं चलेंगे, वहां थारा झंडा मारा झंडा है, किसानी का झंडा पहले है, बाकी झंडे बाद में है भाई। सभी टोल कमेटी के साथ कि आज की यात्रा के तीन दिन, तीन गांव बाकी हैं, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे।